हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है और आप ये देख सकते हैं कि NTPC को लेकर के है। यहाँ पे देखिए NTPC CN01/2019 एग्जैक्टली एज पर रूल्स। तो ये जो रूल्स था उसी के अनुसार से यहाँ पे जो भी दिया गया है, सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारा हंगामा चल रहा है कि एग्जाम को बहुत गलत तरीके से इसका रिजल्ट निकाला गया, ऐसे भी कहा जा रहा है। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले के करके आप लोगों को सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थे वो 35,281 यानी कि 35,281 थी। उसमें से ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसीज, 10+2 एलिजिबल फॉर 10,603 वैकेंसीज। तो इसमें जो कह रहा है कि ग्रेजुएशन के जो भी कैंडिडेट्स थे वे लोग सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल थे, और 10+2 के जो भी कैंडिडेट्स थे वे लोग एलिजिबल थे 10,603 पोस्ट के लिए, 10,603 वैकेंसीज के लिए 10+2 स्टूडेंट्स लोग थे। लेकिन ग्रेजुएट वाले जो थे वे टोटल के टोटल जितने वैकेंसी थे, यानी टोटल वैकेंसी जो थी 35,281, उसमें वे लोग एलिजिबल थे। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेजुएट्स हैव ऑप्शन फॉर द 10+2 कैटेगरीज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है कि ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं वे 10+2 को भी ऑप्शन किए गए थे, वहाँ पर भी वे लोग फॉर्म भर सकते थे, ये भी यहाँ पे कहा गया है। साथ साथ में लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑप्शनिंग फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि लीगली ये है कि वे लोग नहीं कर सकते हैं, जितने भी कहा गया था बार मतलब कि टाइम्स एनी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑप्शनिंग फॉर मोर देन वन कैटेगरी, वे लोग एक ही कैंडिडेट को इतना बार फॉर्म भरने के लिए नहीं रोका गया था। ये भी यहाँ कह रहा है कि आप ऑप्शन कर चुके हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो इसको ये लोग नहीं रोके थे। यहाँ पे फिर है वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। और इनका कहना है कि ये लोग 20 गुना जो वैकेंसी थी उसका 20 गुना ये लोग सिलेक्ट किए हैं ईच लेवल एग्जैक्टली एज फॉर द एग्जामिनेशन रूल। तो यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया था उसके अनुसार से ये लोग एग्जैक्टली 20 गुना निकाले हैं, जो भी वैकेंसी थे उसके ना जितने भी पोस्ट थे उसका हर बार वे 20 गुना निकाले, ना कि वे लोग स्टूडेंट्स का निकाले, ये इनका साफ कहना है। और जो भी एग्जामिनेशन का रूल और नोटिस था उसी हिसाब से ये लोग एग्जामिनेशन को रिजल्ट निकाले हैं। अब यहाँ देखिए, विलो टेबल शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ईच लेवल। यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर दिखा जा रहा है जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका। तो यहाँ पे देखिए, पे स्केल ऑफ 7 CPC नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज थे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी 1 2 जो है 2 3 4 5 6 ये देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, ये यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका मतलब रोल नंबर जितने कोई का दिखाया गया है रिजल्ट में वो सब सारी चीज़ें, और टाइम्स देखिए कितना निकाला है ये भी दिखाया गया। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा लेता हूँ, जो भी है CPC लेवल का जो 2 है उसमें से 5,663 यानी कि 5,663 नोटिफाइड वैकेंसीज थी, उसमें से उसका 20 गुना निकाला गया। यहाँ पे टाइम्स देख सकते हैं कि 1,13,301 कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे तीसरे नंबर का है जो कैटेगरी, उसमें देखिए 4,940 वैकेंसीज के बारे में कहा गया, तो उसमें से 98,000 से ऊपर आपका निकाला गया, यहाँ पे 20 गुना निकाला गया है। साथ साथ यहाँ चौथे नंबर का जो है वहाँ पर भी देखिए 161 था, उसमें से 3,223 यानी कि 3,223 से भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिखाया गया है, वहाँ पे जो 21.0 यहाँ पे टाइम्स निकाला गया है। साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पांचवा था यहाँ पर उसमें 17,000 से ऊपर था, उसमें से 3,37,000 कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें से 19.99 यानी कि लगभग 20 टाइम्स के बराबर निकाला गया। उसी प्रकार से आप 6 में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 7,124 था, उसमें से 1,42,413 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, ये भी देखिए आप यहाँ पे 19.99 यानी कि आप टोटल में देख सकते हैं कि 35,281 नोटिफाइड वैकेंसीज थी, उसमें से 7,05,446 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, और आप देख सकते हैं कि 19.99 टाइम्स ये कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इनका जो कहना है, साफ कहना था कि वे 20 टाइम्स जो वैकेंसी था उसका निकाला गया है, ना कि स्टूडेंट्स का निकालना था। तो ये चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से भी कहा गया, आप आज का डेट भी देख सकते हैं, यह है 20 जनवरी 2022 का। तो जो भी कहा गया है वो 20 टाइम्स वैकेंसी का निकाला गया है, जो भी कहा गया था एग्जामिनेशन रूल के अनुसार, तो ये पूरा एकदम क्लियर कहा गया है बोर्ड की ओर से। तो यही एक अपडेट है, क्योंकि बहुत सारा हंगामा हो गया है यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के, तो इससे RRB का यही कहना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए कि जो 35,281 था उसका 20 टाइम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकाला गया है।